हमेशा सुनते आए हैं कि दौलत जो है वो औरत के नसीब की होती है, ऐसा ही है? देखिए सर, ये ना बनी हुई है ऐसी बातें माशरे में जिसकी याद नहीं है, ठीक है, इसकी कोई बेस नहीं है। ऐसे ऑब्जर्वेशन हैं और माइथोलॉजीज हैं और कई तरह के फलसफे हैं जो बेबुनियाद आगे बढ़ते चले गए हैं और वो फैलते चले गए हैं, लेकिन उनके नीचे कोई बेस नहीं है। किसी के साथ रहना हो और वो शख्स पसंद भी ना हो तो कोई बंदा क्या करे सर? जो आपको पसंद नहीं है उसके साथ रहना है, उसको कबूल कर दीजिए, ठीक है? रास्ता कोई नहीं। अगर आप एक्सेप्ट कर जाएं, जी कबूल कर लें, ठीक है, मान जाएं कि ये मेरी जिंदगी है और मुझे इसको कबूल करना है, ठीक है, तो अल्लाह ताला अपना करम और फजल करता है और बेहतर। ताल्लुकात को महदूद करने की बात करते हैं, वो किस तरह के लोग हैं जिनसे हमें अपने ताल्लुकात को महदूद कर लेना चाहिए? देखिए आप कि वो रिश्ते जो रब ने बनाए हैं वो खूनी रिश्ते हैं जी, आप पे लाजिम है कि वो निभा करें। फिर वो रिश्ते जो आपने बनाए हैं उसमें से कुछ रिश्ते दोस्त के जी जी, रिश्ते आपके, अगर कोई कह लीजिए शादी किसी ने की है जी जी, बीवी है उसकी, कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो आपके पास इख्तियार है कि आप बदल सकते हैं, वो है किसी जगह जॉब करें छोड़ दें जी जी, बॉस नहीं रहेगा आपका, और किसी के साथ बैठे हमसायगी है, हम सब मोहल्ला बदल लें आपकी वो हमसायगी नहीं रहती। कुछ लोग हैं जिनसे अवॉइड करने की मैं बात करता हूँ, वो लोग हैं जो, वो कौन से लोग हैं सर? नेगेटिव हैं जी जी, और वो जो आपके लेग पुलर्स हैं, वो जो तनकीद बराए तनकीद करते हैं, जो हासदीन हैं, उनके तो शर से बचने का हुक्म है। उनसे दूर हो जाना काफ़ी है या उनकी तनकीद का जवाब भी देना चाहिए? मेरे ख्याल तनकीद का जवाब नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। हाँ, उसकी उनको वैसे तो सजा क्या देनी है आपने, लेकिन जो आप इग्नोर करने की सजा है वो दे सकते हैं, आपने उनका काम कर दे, आप अपना काम जारी रखें जी, यही जवाब, आपका काम ही आपका जवाब है। नफ्सो नफ्सी का दौर है, नौजवान अपने कामों में मगन हैं, बच्चे वीडियो गेम्स पर, मोबाइल फ़ोनों पर, हमारे बुज़ुर्ग तनहा रह गए हैं। सर दो तरफा अमल है जी, वालदैन को भी चाहिए अपने बच्चों से बातचीत करें, बच्चों को भी चाहिए वालदैन से बातचीत करें जी। एक अच्छा रिलेशन होता है वो टू वे कम्युनिकेशन होता है, उसमें अपना मुद्दा बयान करना, किसी की नोयत को समझना जी सर, किसी की सिचुएशन को समझना, किसी की मजबूरियों को समझना, ये भी एक ताल्लुक की निशानी है। प्रॉब्लम ही होती है कि वालदैन बच्चों से बातचीत करना छोड़ते हैं, फिर बच्चों को आदत नहीं रहती। हमें आदत शुरू से बच्चों को देनी चाहिए कि वो आपसे बातचीत कर सके, और बच्चे भी अपना मुद्दा बयान नहीं करते तो रिलेशन कमज़ोर हो जाता है। तो इसको ज़िंदगी में कभी भी किसी को एहसास हो, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिन मैंने महसूस किया कि उनके बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बड़ी कम है, तो उन्होंने एहसास दिला के उनको आपसे शुरू कर दें, कोई देर नहीं हुई, आपसे शुरू कीजिए। बड़े बच्चों को मैंने कायल किया कि आप अपने वाले साहब के पास, अपने दादा के पास, अपनी दादी के पास, अपनी वालदा के पास रोज बैठा करो, उनसे बातचीत किया करो और उनको सुना करो, ठीक है, उसको थोड़ा सा वक्ती तौर पे जजमेंटल ना हुआ जाए और सुना जाए, वो कम्युनिकेशन बहाल हो जाती है और रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। ज़हनी पुख्तगी क्या होती है, इसकी ज़हनी पुख्ता होने की कोई उम्र होती है? देखिए जो हमारी बायोलॉजिकल एज है, बायोलॉजी के साथ जुड़ी हुई, वो तो बलोगत 13-14 साल के बाद मर्द औरत की लड़की की शुरू हो जाती है, ठीक है, लेकिन जो रवैये हैं उसमें आप कितने मेच्योर हैं, कहाँ क्या बात करनी है, कौन सी बात किस तरह से करनी है, किस तरह से किसी जगह पे रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्स करना है, फिर आपके अंदर इमोशनल जहानत कितनी, EQ जिसको कहते हैं, इमोशनल क्वेश्चन कैसा है, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसी है, आपको गुस्सा कितनी देर से आता है, आप किसी भी नागवार सिचुएशन को कैसे फेस करते हैं, आप कितने अच्छे प्लानर हैं, आपका अपने रिसोर्स पे कितना कंट्रोल है, आपका खुद पे कितना अच्छा कंट्रोल है, आप अपने अपने दिए गए वसाइल को बेहतरीन कितना इस्तेमाल करते हैं, ये सारे साइंस हैं आप कितने मेच्योर हैं। तो मेच्योरिटी बड़ी बड़ी उम्र में कई लोगों में नहीं होती, कुछ लोग बड़ी छोटी उम्र में होते हैं, वो बड़े जिम्मेदार और बड़े जिम्मेदार होने के साथ बड़े अच्छा रिस्पॉन्स करने वाले, बड़े अच्छे रिजल्ट्स देने वाले होते हैं। शाह साहब, इस वक्त पाकिस्तान की जो आबादी है, हम लोग हैं बाहसियत कौम, सुस्त और काहिल हो चुके हैं, ये सुस्ती और काहली ख़त्म करने के लिए हम क्या करें? देखिए सुस्ती काहली से ज़्यादा गैर जिम्मेदारी को हम बढ़ता हुआ देखेंगे। एक खानदान है जिसके 12-15 अफराद हैं, एक कमा रहा है, सारे बैठ के खा रहे हैं, ठीक है, कई जगह पे चार हैं घर के अफराद, तीन खा रहे हैं और एक बैठ के जो एक काम कर रहे हैं, तीन बैठ के खा रहे हैं, ठीक है। हालांकि हमें एक एक्टिव सिटीजनशिप
ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए अपने तालीमी इदारों में। ठीक है, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, बेशक हर एक को अपना रोल प्ले करना है, हर एक को बेस्ट करना है, हर एक को जो वो कर सकता है करना। चाइना की मिसाल ले लीजिए, चाइना में 60-70 साल का बंदा भी छोटा मोटा कोई काम करके जी वो कमा रहा होता है और जिंदगी गुजर रही होती है। यहाँ 60-70 साल का बंदा अगर कमा रहा हो तो उसको मीडिया दिखाता है और हमदर्दी के साथ दिखाता है, ये देखिए इनको रेडी लगानी पड़ेगी, इन्हें काम करना पड़ गया। तो काम तो कोई उजर नहीं है, काम में तो कोई शर्म नहीं है। ठीक है, ये तो वो बंदा जो खुददार नहीं है, नहीं कमाता, गैर जिम्मेदार है, मोहताज है, दूसरों से मांग के खाता है, वो उसको इंसल्ट फील करनी चाहिए। ठीक काम है, में तो कतन कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। तो एक तो हमें हर बंदे को, हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो जरूरी चीज है जी वो ये है कि हमारे हम बासियत कौम बा मकसद कौम नहीं है। ये पूरी को 20 साल के विजन होने चाहिए, और इसी तरह जो अफराद है इनफरादी तौर पे भी सबको अपने गोल्स और टारगेट्स पर रहना चाहिए कि हम यहाँ आज खड़े और हमने कहाँ तक जाना है, हम कैसे बनाएं गोल। देखिए कोई भी शख्स जिसने ये जानना है कि उसे क्या करना है, सबसे पहले उसे जानना चाहिए वो क्या है। वो आप परखते हैं और खुद को जांचते हैं, ये जानने मानने समझने के बाद आप तय करते हैं कि इस तरह के मेरे मकासद और इस तरह के गोल्स होने चाहिए। ठीक है, ताकि मैं अपने टैलेंट को और अपनी सलाहियत को बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्टिविटी दे सकूं। खुद शनासी क्या है, हम खुद को कैसे परख सकते हैं। देखिए दुनिया की वाहिद मखलूक है इंसान जिसकी जो असाइनमेंट और ड्यूटी है वो सिर्फ जीना बराए जीना नहीं है। बाकी सब मखलूक पैदा होती हैं, बच्चे पैदा करती हैं और दुनिया से चली जाती हैं। ये मखलूक वाहिद मखलूक है जो कि ये जानना कि मुझे क्या करना है, इसे वक्त के साथ पता लगता है। ठीक है, ये वक्त के साथ साथ खुद को ढूंढती है, ये तलाश करती है मखलूक कि मेरी अच्छा मेरे में क्या है, मेरे में कमजोरी क्या है, मेरी ताकत क्या है और मैं कहाँ पर वीक हूँ। ये सब चीज़ें वक्त के साथ ढूंढने के बाद जो दी बेस्ट किया जा सकता है, यानी ये कि ये तलाश करना कि अल्लाह ने मुझे पैदा क्यों किया और वो जो मेरी पैदाइश का मकसद था मैं उसे किस तरह से बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकता हूँ। सदा कराम का भी कोई रोल हो सकता है। देखिए खुद शनासी में सिचुएशंस भी बड़ी मैटर करती हैं। जी। आपको हर वो शख्स, हर वो वाक्या जो आईना दिखाए जी, जो बता पाए कि आप ये हैं और ये आप नहीं हैं जी, तो समझ नहीं आपके लिए खुद शनासी में उसने मुआवनत कर दी। आप बाद सिचुएशंस में आगाह होते हैं कि ये अल्लाह ने मुझे टैलेंट और ये स्ट्रेंथ दी हुई। ठीक है, किसी तैराक से किसी ने पूछा आप इतने अच्छे तैराक क्यों हो, उसने कहा मुझे किसी ने पानी में फेंक दिया था, धक्का दिया ठीक है, और वो गिरते ही मैंने अंदाजा लगाया कि मैं बड़ा अच्छा तैराक हूँ, बगैर सीखे भी मैं कोशिश करके बाहर निकल सकता हूँ, तो मैं अगर सीख लूँ तो मैं कितना अच्छा तैर सकता हूँ। इस तरह बास लोग जिनको बोलना अच्छा आता है उन्हें जिंदगी में किसी न किसी ने फीडबैक दी होती है कि आपका ये बोलने का अंदाज, आपका बात करने का अंदाज, आपका समझाने का अंदाज बड़ा भला है, उसको पॉलिश करते हैं ठीक है और ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। मेंटोर्स का बड़ा रोल है, गाइड करने वाले लोगों का बड़ा रोल है, फिर मुस्बत तनकीद करने वालों का बड़ा रोल है, जो आपकी आप मोहब्बत करते हैं, ये बड़े जरूरी लोग होते हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं और आपको और बेहतर देखना चाहते हैं, पॉलिश देखना चाहते हैं, तो वो आपकी जिंदगी में एक बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। इस तरह रिजल्ट्स बड़े मैटर करते हैं। अच्छा, नजर आ रहा होता है कि मेरा मुझे वो नतीजे नहीं मिल रहा, मैं कोई भी काम करूं अगर मैं लिखूं और वो तहरीर मौसर नहीं है, बात करूं और बात मौसर ना हो, मैं प्रोग्राम कंडक्ट करूं और मेरे से कंडक्ट ना किया जाए, तो रिजल्ट्स बताते हैं कि ये काम मेरा है और ये काम मेरा नहीं है और इसमें अभी कमी है, मुझे इसको इम्प्रूव करना। ठीक है नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।